Hello everyone, in this video we will continue further with the reactions of alcohols. In the previous video we had only focused on the acidic nature of alcohols. हम लोगों ने कहा था alcohols are very very weak acids. Phenols जो होते हैं वो alcohols के comparison में थोड़े ज्यादा और strong acids होते हैं. Okay. अब एक बार ये acidic nature खत्म हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे के जो reactions है वो पढ़ना start करेंगे. अच्छा, वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग एसिडिक नेचर. हम लोगों ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर जो आप ऐड करोगे किसी भी कंपाउंड में तो एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, सो नाउ वी विल लुक एट ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप लोगों को शायद 10th स्टैंडर्ड में भी था. ये रिएक्शन क्या होता है, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स यू ईस्टर एंड वॉटर. ओके, सो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है उसको लिखा ऐसे जाता है, अल्कोहल होता है लेट्स से आर ओ एच, एसिड इज आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट अल्कोहल में से एच बाहर निकलता है एंड एसिड में से ओ एच बाहर निकलता है. सो अल्कोहल विल ओनली गिव यू एच, एसिड विल गिव यू ओ एच, एंड ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन को जाके अटैच हो जाता है. सो वॉट यू गेट इज आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दिस इज योर ईस्टर प्लस वॉटर. प्लीज रिमेंबर दिस, अल्कोहल में से आर ओ ग्रुप एंड एसिड का आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है. अल्कोहल में से एच बाहर निकलता है और एसिड में से ओ एच बाहर निकलता है. यहां पे जो अल्कोहल होता है बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर, अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड ये रिएक्शन इस तरह से होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन को अटैक करता है. सी हमें ये पता है, हम लोगों ने ये देखा हुआ है ना कि जब कभी ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो दिस ऑक्सीजन हैज अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन हैज अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. सो बेसिकली दैट इज व्हाई दिस ऑक्सीजन गोज एंड अटैक्स दिस कार्बन एटम. ओके, एंड ये जो रिएक्शन होता है दिस इज काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन. नाउ बिकॉज दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल हैपन क्विकली इफ क्राउडिंग ना हो. राइट, हम लोगों ने SN2 के बारे में ये पढ़ा हुआ है ना कि क्राउडिंग कम होनी चाहिए. क्राउडिंग जितनी कम होगी उतना आपका जो रिएक्शन है वो फटाफट होगा. सो जैसे यहां पे क्राउडिंग कम होना मतलब क्या कि ये जो ग्रुप है आर डैश ग्रुप है एंड यहां पे जो ये आर ग्रुप है दे शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज, आर एंड आर डैश शुड बी स्मॉल टू अवॉइड स्टरिक हिंड्रेंस. ओके, इन केस आपको ये याद ना हो तो प्लीज SN2 का वीडियो और एक बार चेक कर दो. ठीक है, टू अवॉइड स्टरिक हिंड्रेंस. नाउ सो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस तरह से होती है फॉर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज बेसिकली अल्कोहल जितना छोटा होगा या आर ग्रुप जितना छोटा होगा उतना बेटर. सो CH3OH इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आएगा C2H5OH, उसके बाद आएगा C3H7OH. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मोर एवर 1 degree अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 degree अल्कोहल विच विल बी मोर रिएक्टिव देन 3 degree अल्कोहल. सिमिलरली एसिड्स के केस में, सो दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स. अगर जो आप एसिड्स की रिएक्टिविटी देखोगे तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच दिस इज ग्रेटर देन CH3 C डबल बॉन्ड ओ ओ एच विच इज मोर रिएक्टिव देन C2H5 C डबल बॉन्ड ओ ओ एच. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. फाइन, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स. ठीक है, नाउ कंटिन्यूअसली आपको यहां से वॉटर निकालना होगा. सी ये रिएक्शन जो है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. Now because it is a reversible reaction, ये reaction backward direction में भी जा सकता है.
तो अगर जो आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता जाए, तो हमने ले चार्टियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो ये कहता है कि आप अगर जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते जाओ, निकालते जाओ, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। सो समहाउ इफ यू स्टार्ट रिमूविंग वाटर, अगर जो आप वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली कम करते जाते हो, आप वाटर निकालते जाते हो, तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो हाउ डू यू एलिमिनेट वाटर? सो फॉर दिस वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक तो ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, बाय प्रोवाइडिंग H+ आयंस ये रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब एन एजेंट विच रिमूव्स वाटर, उसको कहा जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो आई कैन से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिहेव्स लाइक बोथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग H+ आयंस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें अगेन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज यहां से H आता है अल्कोहल से, एंड एसिड से OH आता है ना। ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से कुछ होंगे, लेट्स से यू हैव CH3OH प्लस यू हैव CH3C OH, एंड यहां पे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं ना, हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। वॉट आर आइसोटोप्स? एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सो मान लो ये वाला ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑक्सीजन 16, ओके, जो नॉर्मल आपका ऑक्सीजन होता है, एंड मान लो ये वाला जो ऑक्सीजन है दैट इज ऑक्सीजन 18। नाउ व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो व्हाट वुड हैपन इज आपका प्रोडक्ट क्या होगा पता है हमें, ये पता है यहां से ये H निकलेगा और यहां से ये OH निकलेगा। सो द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज CH3C OH CH3, एंड ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है, इट इज दिस ऑक्सीजन। सो दिस इज योर ऑक्सीजन 16 प्लस सेकेंड कंपाउंड इज H2O, H2O में ये ऑक्सीजन जा रहा है, सो दिस इज योर ऑक्सीजन 18। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, फाइन। यहां पे हाउ डू यू नेम दिस कंपाउंड? ईस्टर्स का नेमिंग ऐसे किया जाता है, ओके, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है आप पहले उसका नाम लिख दोगे, तो ये मीथाइल है, तो ये मीथाइल लिखा जाएगा। फिर आप ये बचे हुए पार्ट का नेमिंग करोगे, बचे हुए पार्ट का आप नेमिंग कैसे करोगे, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स है वो देखो। सो दिस हैज टू कार्बन एटम्स, है, तो ये हो जाएगा इथेन। आप आखिरी ई हटा दोगे एंड ईस्टर्स के लिए OATE लिखा जाता है, सो दिस बिकम्स योर मीथाइल इथानोएट। ठीक है, सो दिस इज मीथाइल इथानोएट प्लस वॉटर, फाइन। नाउ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन जैसा है वैसे ही और भी रिएक्शन होते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका अल्कोहल है, जैसे ROH प्लस R-C OCl, इसको कहा जाता है एसिड क्लोराइड। दिस हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू योर एसिड, बस OH के जगह पे यहां पे Cl है, तो वापस यहां से पे सेम चीज होगी, अल्कोहल से H निकलेगा, यहां से ये Cl निकलेगा, एंड वॉट यू विल गेट इज R-C OO, ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, सो OR, दिस इज अगेन नथिंग बट ईस्टर। तो ये आपका ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है, बस आपका स्टार्टिंग कंपाउंड जो है वो एसिड नहीं है, योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज एसिड क्लोराइड प्लस HCl, ओके। नॉर्मली ये HCl जो होता है, HCl को आपको निकालना है ना ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाए, तो बिकॉज HCl इज एन एसिड, तो एसिड को निकालने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है, तो
हम लोग जो बेस यूज करते हैं दैट इज पिरिडिन. यू हैव टू रिमेम्बर दिस पिरिडिन. हम लोगों ने ये पिरिडिन पहले भी देखा हुआ है. इट इज यूज टू रिमूव HCl बेसिकली. फिर यू कैन ऑल्सो हैव दिस रिएक्शन. अल्कोहल है ROH. इट रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड R'C(OC)R'. इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड. ओके, यहां पे भी रिएक्शन इस तरह से ही होता है. यहां से H निकलेगा, यहां से जो है दिस विल कम आउट. सो व्हाट यू विल गेट इज R'C(OC)R'. लेट मी पुट R" ओवर हियर ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो. सो R'C(OC) एंड OR यहां पे ज्वाइन हो जाएगा. प्लस यू विल हैव R'C(OC)OH. दिस विल गेट अटैच विथ हाइड्रोजन. इज दिस फाइन? ओके. नाउ सो हम लोगों ने अब तीन रिएक्शंस देखे. ऑल थ्री आर योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शंस. यू कैन सी दैट यहां पे ईस्टर फॉर्म हो रहा है. 1, 2 and 3. ओके फाइन. अच्छा, ये जो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एस्पिरिन आप लोगों ने गोली सुनी होगी, टैबलेट मेडिसिन. एस्पिरिन बनाने के काम आता है. सो एस्पिरिन में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग कंपाउंड इज दिस COOH and OH. ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसाइक्लिक एसिड. ओके, सैलिसाइक्लिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड एनहाइड्राइड तो CH3C(OO)CH3. ये एसिटिक एसिड से बनता है. मतलब एसिड एनहाइड्राइड हमेशा एसिड से बनता है. आप एसिड में से वाटर हटा दो तो व्हाट यू विल गेट इज एसिड एनहाइड्राइड. ओके, तो यहां पे ये जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है ये किससे बन रहा है? आप अगर जो स्ट्रक्चर देखोगे तो ये CH3COOH से बना हुआ है. सो CH3COOH इज योर एसिटिक एसिड. सो दिस कंपाउंड बिकम्स योर एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, नाउ यहां पे भी जैसे इस तरह से रिएक्शन कैसे होगा? सो यहां से ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा एंड यहां से ये H बाहर निकलेगा. सो व्हाट यू विल गेट इज COOH OC(OC)CH3 एंड दिस इज बेसिकली एस्पिरिन. इसका नाम ये भी होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. बट ये रिएक्शन ऐसा ही है, ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है. ये अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा विच विल गिव यू H एंड ये एसिटिक ये जो पार्ट है दिस विल गिव यू दिस पार्ट. ओके फाइन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन अगेन. अब विल गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन नाउ दैट वी विल लुक एट इज रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट. नाउ लुकास रिएजेंट ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ HCl प्लस ZnCl2. ये हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा हुआ है. यहां पे मैं वापस ये रिपीट करता हूं. दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1°, 2° and 3° अल्कोहल्स. बिटवीन 1°, 2° and 3° अल्कोहल्स. सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है. सो व्हेन यू हैव 1° अल्कोहल जैसे CH3CH2OH प्लस HCl
in the presence of ZnCl2. So because this is your 1 degree alcohol, 1 degree alcohol do not ready the react. And since they do not ready the react in this case, आपको हीट की भी जरूरत पड़ती है. तो दिस इज योर कैटेलिस्ट, एंड कैटेलिस्ट के साथ भी ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो पाता, इसी हमें हीट की जरूरत पड़ती है. सो व्हाट हैपेंस इज, यहां से आपको सीएल माइनस मिलेगा, एंड सीएल माइनस जो है ये ओएच को रिप्लेस कर देगा. सो यू विल गेट CH3CH2Cl+H2. ठीक है. So in this case you will get alkyl chlorides या chloroalkanes. So this is your chloroethane. So with 1 degree alcohol you would need catalyst and you will also need heat. ये वाला जो compound होता है it is not very soluble in water. I'll write insoluble in water. So it forms turbidity. Okay, forms white turbidity. ओके, एंड ये रिएक्शन टर्बिडिटी मतलब वो होता है कि जैसे मिल्कीनेस आता है ना, मतलब वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा. जैसे शुगर को आप पानी में डालो तो आपको पानी दिखाई देता है ना, आपको ऐसा टर्बिडनेस कोई दिखाई नहीं देता. बट वही है कि इमेजिन करो कि चूने को आपने पानी में डाला हुआ है तो पानी जो है वो पूरा मिल्क की तरह हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्बिडिटी. ओके, सो एंड इन दिस रिएक्शन यू नीड कैटलिस्ट, यू नीड हीट, एंड ये रिएक्शन फटाफट नहीं होता. दिस रिएक्शन टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू सी द टर्बिडिटी. विथ 2 degree अल्कोहल्स क्या होता है, 2 degree अल्कोहल्स के साथ इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल इट विल बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3OH+HCl, इट विल फॉर्म ZnCl2. अच्छा, विथ HCl एंड ZnCl2, ZnCl2 बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट. यहां पर यह रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. इफ यू कंपेयर इट विद दिस, 1 degree अल्कोहल के साथ हमें हीट की जरूरत पड़ती थी, 2 degree अल्कोहल के साथ रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है. CH3CHCl CH3+H2O. इन दिस केस यहां पे भी वापस व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी क्योंकि ये भी पानी में इनसॉल्युबल होता है. ओके, सो इट टेक्स लेस टाइम, फ्यू मिनट्स में यह रिएक्शन हो जाता है to carry out this reaction. And with 3 degree alcohols, जैसे tertiary butyl alcohol है CH3CH3CH3OH+HCl, आपको ना ही catalyst की जरूरत पड़ती है. आप room temperature पे बस इन दोनों को mix करो test tube में, थोड़ा सा आप shake करो तो reaction तुरंत हो जाता है. एंड यहां पे व्हाइट टर्बिडिटी इज ऑब्टेंड इंस्टेंटेनियसली. राइट, व्हाइट टर्बिडिटी इज ऑब्टेंड इंस्टेंटेनियसली. ठीक है. So this is how you can distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols using Lucas reagent. Similarly, यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था जब हम लोग methods of preparation of alkyl halides कर रहे थे. Alcohols जो होते हैं they can also react with HBr. HBr आप कैसे बनाते हो? HBr is prepared in situ. In situ मतलब जब आपको use करना होता है तभी आप बनाते हो. तो आप HBr को कैसे बनाते हो? Using NaBr plus concentrated H2SO4. Okay, and you will get RBr plus H2O. Now you have to remember this, 1 degree alcohol होगा तो you use concentrated H2SO4, but 2 degree या 3 degree alcohol होगा तो HBr बनाने के लिए आपको डाइल्यूट H2SO4 यूज करना है.
कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही रिएक्शन विथ एच आई भी हो सकता है, आर ओ एच प्लस एच आई यू विल गेट आर आई प्लस एच टू ओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, वी हैड सीन दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो व्हेन आई से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एच आई जो होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। द रीजन इज बिकॉज एच आई बॉन्ड इज वेरी वेरी इजी टू ब्रेक, ओके। उसके बाद आता है एच बी आर एंड उसके बाद आता है एच सी एल, ओके। सेकेंड इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड इनफैक्ट अगर जो बेंजाइल अल्कोहल होगा विच इज C6H5CH2OH, तो ये और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ यू कैन सी दैट यही ऑर्डर कार्बोकेटायन का भी होता है, करेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि कार्बोकेटायन में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा ही होता है। एंड कार्बोकेटायन कौन से मैकेनिज्म में बनता है, बनता है कार्बोकेटायन जो है वो इंटरमीडिएट SN1 मैकेनिज्म में बनता है। सो दैट इज व्हाई यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज SN1, ओके फाइन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म, लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन दे दो, दूसरा दे दो या तीसरा दे दो, कार्बोकेटायन इज फॉर्म। नाउ व्हेनेवर कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब रीअरेंजमेंट क्या होती है, लेट मी शो दैट टू यू। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ओके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके। Let's say you have this alcohol CH3, CH2, CHI, CH3। मान लो ये आपका अल्कोहल है ना, सॉरी, लेट्स से योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज दिस CH3, CH3, H, CH, OH, CH3, ये आपका स्टार्टिंग अल्कोहल है एंड इसमें आप एच आई एड करते हो ना। हमें ये पता है कि यहां पे क्या होता है कि आई जो है वो ओ एच को रिप्लेस कर देता है ना, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये बनना चाहिए CH3, C, CH3, H, CH। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस आई एंड यू विल हैव CH3 अगेन, करेक्ट। ये बन जाना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है दिस इज नॉट योर एक्चुअल प्रोडक्ट। आपका एक्चुअल प्रोडक्ट ये होता है CH3, C, CH3, आयोडीन यहां पे आ जाता है CH2, CH3। सो इफ यू सी OH जो था ये सेकेंड कार्बन एटम पे था, बट आयोडीन जो है वो यहां पे आ रहा है, इस वाले कार्बन एटम पे आयोडीन आ रहा है। सो दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये होता कैसा है, हाउ डज दिस टेक दिस, ओके। तो ये होने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट विच हैपन्स। तो लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म नाउ, ओके। पहले तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप नंबरिंग ये साइड से स्टार्ट करोगे क्योंकि OH यहां से जल्दी आएगा। सो 1, 2, 3, 4, सो दिस इज 3-methyl-butane-2-ol एंड आपका जो प्रोडक्ट है उसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि आयोडीन और मिथाइल ग्रुप यहां से पास में आएंगे। 1, 2, 3, 4, सो दिस इज 2-iodo-2-methyl-butane, दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म। नाउ लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस।
सो एच आई इज एन एसिड. फर्स्ट स्टेप में एच आई डिसोसिएट्स. सो स्टेप वन में एच आई डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस एच प्लस एंड आई माइनस. नाउ एच प्लस को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, ये ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है. तो एच प्लस को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑक्सीजन एटम से मिलेंगे. तो स्टेप टू में क्या होगा, यू हैव दिस कंपाउंड सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच सी एच ओ एच सी एच थ्री. दिस विल रिएक्ट विथ एच प्लस बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोन पेयर. एच प्लस यहां पे अटैक करेगा. सो यू विल गेट सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच, ये हो जाएगा सी एच ओ एच है और एक एच आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा ओ एच टू. बिकॉज ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा एंड दिस विल बिकम सी एच थ्री. ठीक है. नाउ वी नो दैट ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज इज हाईली अनस्टेबल. बिकॉज ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, यहां से ये एच टू ओ इज अ स्टेबल कंपाउंड दैट कैन कम आउट. तो एच टू ओ कैसे फॉर्म होता है, ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके इट कम्स आउट एज एच टू ओ. सो लेट मी राइट माइनस एच टू ओ. तो अगर जो यहां से एच टू ओ बाहर आया तो क्या बचेगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच सी एच. दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ गए तो दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव सी एच थ्री. राइट. नाउ दिस इज अ टू डिग्री कार्बन एटम. सो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन अ टू डिग्री कार्बन एटम. तो ये टू डिग्री कार्बोकेटायन हो गया. बट सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन जो होता है वो होता है थ्री डिग्री कार्बोकेटायन. एंड यू कैन सी दैट यहां पे थ्री डिग्री कार्बन एटम है ना. तो टू डिग्री कार्बोकेटायन ये थ्री डिग्री कार्बोकेटायन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो अब आती है आपकी रीअरेंजमेंट स्टेप. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, रीअरेंजमेंट. कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, टू डिग्री कार्बोकेटायन इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू अ थ्री डिग्री कार्बोकेटायन. अब यह होता कैसे, यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देता है तो ये बन जाएगा एच माइनस. सो लेट मी राइट दिस एज एच माइनस. इसको कहा जाता है हाइड्राइड. एंड एच माइनस लेके वो यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है. तो माइनस एंड प्लस एक दूसरे को, मतलब ये माइनस ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे. एंड बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो ये कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो व्हाट यू विल गेट इज सी एच थ्री सी सी एच थ्री. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए तो दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. दिस विल फॉर्म सी एच टू एंड सी एच थ्री. ओके. नाउ एक बार ये शिफ्ट हो गया, अब आपका आ जाएगा आई माइनस. ये जो आई माइनस है या आई माइनस इसको यहां पे अटैक करेगा. सो यू विल गेट सी एच थ्री सी सी एच थ्री ये आई सी एच टू सी एच थ्री. दिस इज नथिंग बट वन टू थ्री फोर, टू आयोडो टू मिथाइल ब्यूटेन जो आपका ये प्रोडक्ट है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये रीअरेंजमेंट कैसे होती है, जरूरी नहीं हाइड्राइड शिफ्ट ही हो. मान लो कि आपका कंपाउंड ऐसा कुछ होता. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री. मान लो ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, आप एच आई ऐड करो तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एच प्लस यहां पे अटैक करेगा, जो है वो एच टू ओ बाहर निकलेगा. सो माइनस एच टू ओ. एंड इस कार्बन एटम पे प्लस चार्ज आएगा. दिस कार्बन एटम विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच प्लस चार्ज सी एच थ्री.
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, हमें 3 डिग्री में स्टेबल इसमें कन्वर्ट करना है ना। यहां पे ये मिथाइल जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देखे यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में यू विल हैव मिथाइल शिफ्ट, लास्ट इसमें ये हाइड्राइड शिफ्ट था, यहां पे ये मिथाइल शिफ्ट है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है ना, यहां पे मिथाइल ग्रुप ही है तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। सो नाउ यू विल गेट CH3 CH3 CH CH3 CH3 एंड दिस कार्बन एटम, बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जा रहे हैं, दिस कार्बन एटम विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें फिर आय माइनस यहां पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट CH3 CH3 I CH CH3 CH3। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, जिन जिन रिएक्शंस में कार्बोकटायन बन सकता है या कार्बोकटायन बनता है वहां वहां पे रीअरेंजमेंट होती जाएगी। ओके, एंड रीअरेंजमेंट कैसे होगी, अगर जो 1 डिग्री कार्बोकटायन है तो वो पहले 3 डिग्री में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, 3 डिग्री पॉसिबल ना हो तो वो 2 डिग्री में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। सो 1 डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इंटू 2 डिग्री, 2 डिग्री अगर जो कार्बोकटायन है इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इटसेल्फ इंटू अ मोर स्टेबल, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक, प्लीज गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर। कुछ और रिएक्शंस है अब, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद वी विल ऑल्सो स्टार्ट ऑफ विथ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, थैंक यू।